गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आपको मैं वर्क ट्रांसफर के बारे में कुछ बताने वाला हूं। कुछ थ्योरेटिकल रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वर्क ट्रांसफर को हम लोग कब बोल सकते हैं? किसी सिस्टम में वर्क ट्रांसफर तब हो पाएगा जब सिस्टम या तो खुद काम करे या फिर सिस्टम पे काम हो। जैसे कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम द्वारा वर्क हो रहा है, या फिर सिस्टम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो देखो, इसको जो है बेसिकली आपको साइन कन्वेंशन आपको बताऊंगा मैं। साइन साइन कन्वेंशन आपको बताऊँ, सॉरी एस होना चाहिए। साइन कन्वेंशन से देखो बता रहा हूँ मैं। मतलब क्या ये सिस्टम है, ठीक है? ये अपना क्या है, सिस्टम है, ठीक है? और सिस्टम मतलब आपको वर्क कर रहा है, ठीक है? देखो तो ये अपना वर्क कर रहा है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं, ठीक है? अपना डब्ल्यू क्या होगा, अपना पॉजिटिव हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, बाय द सिस्टम, ठीक है? जब सिस्टम द्वारा काम होगा उसको हम क्या बोलते, पॉजिटिव बोलेंगे, और उसका मतलब क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा। लेकिन जब कोई वर्क सिस्टम पे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क क्या होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? वर्क का जो साइन रहेगा वो अपना क्या नेगेटिव होगा, और उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ऑन द सिस्टम बोलेंगे, ठीक है? तो ये अपना क्या साइन कन्वेंशन है हीट ट्रांसफर, मतलब सॉरी वर्क ट्रांसफर का। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वर्क ट्रांसफर, ठीक है? टाइप्स ऑफ वर्क आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या टाइप के वर्क होते हैं। पहला अपना होता है क्लोज्ड सिस्टम वर्क, और दूसरा पे क्या होता है, ओपन सिस्टम वर्क। ठीक है, एक अपना क्या होता है क्लोज सिस्टम वर्क होता है, दूसरा अपना क्या होता है ओपन सिस्टम वर्क। इसको जो है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। मैं मान लो अपने यहाँ पे क्या लिखा, वर्क लिख दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये एक आ गया, यहाँ से दूसरा कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लोज्ड सिस्टम वर्क ट्रांसफर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ओपन सिस्टम वर्क ट्रांसफर। अब यहाँ पे जो है आपको मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है? जो ओपन सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, दैट इज फ्लो वर्क, फ्लो वर्क। तो चूंकि अपना क्लोज है तो इसका दूसरा नाम मतलब क्या होगा, ये अपना नॉन फ्लो वर्क, ठीक है? चूंकि अपना ये क्या है, क्लोज सिस्टम वर्क, मतलब वर्क ट्रांसफर आप निकालते हैं, सिस्टम अपना क्या है क्लोज है, तो वहां पे क्या होगा आपका फ्लो नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फ्लो वर्क बोलेंगे, ठीक है? ओके, इसमें आपको जो अगला पढ़ना है वो आपको क्या है इसी में, ठीक है? जो आपको जानना है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो होता है वर्क के फॉर्मूले में, ठीक है? आपको यहाँ पे वर्क का मैं यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं, जो कि अपने को उसी मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है? पी का मतलब क्या है, प्रेशर होता है, वी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यहाँ पे जो पी को लिखूंगा दैट विल बी इन स्मॉल लेटर्स, प्रेशर का जो पी होता है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल पी में लिखेंगे नोटेशन के तौर पे, वी को हम लोग लिखेंगे कैपिटल वी, ठीक है? तो अपना क्लोज सिस्टम वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ये क्या होता है, कन्वेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है? वैसे अगर मैं इसको देखूंगा तो ये अपना क्या होगा, इसका पूरा उल्टा कर दो, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी है तो यहाँ पर क्या कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी कर लो। ये क्या होगा, ओपन सिस्टम का वर्क ट्रांसफर होगा। अब इसी को अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम कर्व, अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं, मैं देखो क्या बोलूंगा, ये अपना क्या वॉल्यूम है, अपना क्या है प्रेशर है, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। सेम चीज को मैं यहां पे शो कर लेता हूं मैं, फिर आपको बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? अपना प्रेशर हो गया, अपना ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है? अब यहां पे जो है मैं आपको दो पॉइंट्स यहां पे सेट कर देता हूं, वन ये अपना टू, वैसे यहाँ पे अपना ये वन, यहाँ पे अपना क्या है, ये टू है, वन से टू को आप जोड़ दो एरो इधर रहेगा, वन से टू को यहाँ पे आप जोड़ दो एरो आपका ऐसे रहेगा। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों में डिफरेंसेस बस एक ही है,
कि अगर मैं क्लोज सिस्टम वर्क निकाल रहा हूँ तो मुझे करना क्या है, पॉइंट्स वन एंड टू को मुझे वॉल्यूम एक्सिस में प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, देखो तो पॉइंट्स वन और टू को देखो हम क्या क्या यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस में प्रोजेक्ट कर दिया। वैसे अब क्या करेंगे, इसका अपन एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको एरिया मिलेगा ना, इसको कैसे निकालोगे, इसको आप यहाँ जोड़ दो। ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल, ये अपना क्या है एक स्क्वायर या फिर कोई एक रेक्टेंगल फॉर्म कराएगा। दोनों के एरिया को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा मुझे, शेडेड पार्ट का एरिया मिलेगा, दैट इज द वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो ये आप क्या बोलोगे, जो उसका एरिया रहेगा दैट विल गिव मी वर्क ट्रांसफर इन द केस ऑफ क्लोज सिस्टम। बट अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूंगा तो यहाँ पे पॉइंट्स वन और टू को मैं वॉल्यूम एक्सिस में नहीं करूंगा, रादर प्रेशर एक्सिस में करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो तो ओके तो प्रेशर एक्सिस में जब इसको प्लॉट करूंगा मैं, तो दिस एरिया विल गिव मी ओपन सिस्टम वर्क ट्रांसफर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो वर्क भी बोलते हैं। तो ये जो है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए वर्क। ठीक है, वर्क के टाइप्स कौन से होते हैं, उसको और किस नाम से बुलाते हैं, उनकी फॉर्मूला क्या क्या है, और निकालने का कोई तरीका जो अपन ग्राफ में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, आगे की वीडियोज़ में देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।